रहे हैं इसी निर्देश पे कि हमें निर्देश मत कहे मत कहे पीडीएल टीडीएल। अभी भी थोड़े दिन पहले हम अंडर सेक्रेटरी से भी मिले, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्होंने एक निकाला जसनाटी जहां से जाती है चीफ ऑफिस से, हमने यहां भी बात की कि हम भी बेसिस 364 से ले रहे हैं 2801 से ले रहे हैं, लेकिन यहां भी सिर्फ कहते हैं 1320 का ही डाटा भेजेंगे। कश्मीर में 6100 का डाटा उन्होंने पीडीएल टीडीएल लिख के भेज दिया, लेकिन जम्मू वालों के साथ बेइंसाफी है। मैं इस मंच से और अपने ऑफिसरों से यह कहना चाहता हूं इस पे आप भी हमारे साथ संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। जहां हमारी आपको पूरी जरूरत पड़ेगी आप एक बात कहना, हम इसका डेडलाइन चला रहे हैं, हमें पता है कहां से क्या होना है किस लाइन पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बेडों में पड़े हैं। जय भारत, दो हाथ ऊपर करके हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे लाल लाल लहराएगा, इंकलाब 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 इंकलाब। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मुलाजिम एकता जिंदाबाद। कल रात 12 बजे से जम्मू कश्मीर में सब जगह सारे डिस्ट्रिक्ट में फीडर जो भी फॉल्टी हो रहे हैं उनको कोई रिस्टोर नहीं कर रहा है। सारे इंजीनियर बनाए, धीरे धीरे जो है पावर सप्लाई में डिस्टर्बेंसेस अपने ऑटोमेटिकली टेम्परेचर की वजह से बाकी चीजों की वजह से आती हैं, उनको कोई रिस्टोर नहीं करेगा। इस प्रोसेस में चाहे 2 दिन में पावर डिस्टर्ब हो, चाहे 3 दिन में हो, चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, वो सब जो है सरकार की जिम्मेवारी है और इसको एंश्योर कर रहा है सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हमारी मांग को, दो मुख्य मांग है हमारी, एक तो ये है कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पावर ग्रिड के साथ, उसको इमीडिएटली स्क्रैप किया जाए। दूसरा जो हमारी सैलरी को डीलिंग किया जाए इमीडिएटली ग्रांट इन एड से, क्योंकि ग्रांट इन एड सिस्टम एक खैरात के तौर पर हमें देने की कोशिश किया सरकारी मुलाजमत को ज्वाइन किया था, इसलिए वो मैं चाहता हूँ मुझे कि गवर्नमेंट को मुखी मांगों पे हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर इशू करके दे और ये स्ट्राइक वापस कर दे। ये कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तो अलग लड़ाई है, यहाँ तो ये सोच रहे हैं कि ये इजी ऑप्शन है ट्रांसमिशन, अगर आपका ग्रिड है उधर कोई लॉसेज नहीं है फिर भी उसको दे रहे हैं किसी को, इतनी बड़े एसेट्स आपके जा रहे हैं, जैसे जनरेशन सेक्टर में आपके टाइम के ऊपर बिजली बनती है वो सारा एनएचपीसी कर रहा है, एनएचपीसी अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, एनएचपीसी बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, 280 लोगों में से सिर्फ 9 लोग जेएनके के खड़े करिए, सीबीपीपीएल जो चुनाव वाले पावर प्रोजेक्ट्स हैं किसका कसूर, सरकार ने इसके लिए क्या किया, मुलाजमीन हमारी कोशिश ये रही कि आप सोच समझ के फैसला लीजिए, आवाज दो, इस मसले को रिजॉल्व करें। ये देख रहे हैं आप बारी का दौर, अभी आप देखेंगे हो सकता है रजिंद्र बाहर एरिया भी कवर हो जाए और लोग जो है, क्योंकि 16,000 जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारा 5,000 मुलाजिम है, यहाँ जगह नहीं बचेगी अंदर आने। तो फिलहाल यहाँ चीफ इंजीनियर से लेकर डेली वेजर तक सभी एक प्लेटफॉर्म पे। Thank you.